नमस्कार। आनंद कुंज में आप सबके साथ चार दिन रहकर डॉक्टर नितिन इनका जो उपदेश है, जो अनुभव है, वो हमारे कल्याण के लिए वो प्रसारित कर रहे हैं। उसकी एक परंपरा है और वो शास्त्र शुद्ध है और जो ज्ञान है वो सिद्ध हुआ है। परम पूज्य श्री शशि जी पाटिल आपके सामने वहाँ, वो मेरे परम मित्र, तो उनके साथ मेरा बहुत दिल से गहरा रिश्ता था और उन्होंने जो सबके कल्याण के लिए जो अभ्यास किया, अमरोली क्रिया हो, निसर्गोपचार हो, उसके बराबर भारतीय संस्कृति जो महान है, वेद उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, रामायण महाभारत, इसमें बहुत पूरा ज्ञान इतना समाया हुआ है कि व्यादोच्छिष्टम जगत सर्वम, जो हमारा भारतवर्ष में जो ज्ञान ऋषि मुनि संतों ने जो उनको स्फुरण हो गया और वो ग्रंथों के माध्यम से हमें यह परंपरागत आया है, तो वो सिद्ध ज्ञान है। तो इसके मुताबिक हमारा शरीर भी निसर्ग ही है, तो निसर्ग जो जो नियम है वो हम पालन करेंगे तो हम पूरा जीवन स्वस्थ, निरोगी, आनंदी, उत्साही और परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। योगी, सिद्ध, सदैव ध्यानमग्न और समाधि अवस्था में कैसे पहुंचना है, इसका स्टेप बाय स्टेप हमें शास्त्र में वर्णन जो किया है। कल शाम को हमने देखा कि पंचकोश शुद्धि का, उसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, और आनंदमय कोश के बाद भी जो अवस्था है उसके भी ऊपर जो है उसका भी ज्ञान, लेकिन वो सद्गुरु के सानिध्य में ही अनुभव करना है। कौन सा भी ग्रंथ या प्रवचन से ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान का अनुभव वो होने के लिए गुरु के साथ सेवा करते, उनके सानिध्य में वो जिस प्रकार से तपश्चर्या करते हैं, हूबहू हमारी भी तपश्चर्या होनी चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में कुछ ना कुछ समय हमने गुरु के साथ बिताकर प्रश्न पूछकर हमारे मन में जो शंका है, कुशंका है, उसका भी निवारण करना अत्यंत जरूरी रहता है। इसलिए उसके बाद 2500 साल पहले जो पतंजलि ने हमें जो मानसिक शास्त्र है उसके बारे में जो अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हर एक का महत्व इतना महत्वपूर्ण है कि एक एक उसमें हमें नीट अच्छा समझ लिया और के उसके मुताबिक आचरण किया तो हमारा जीवन समृद्ध बन सकता है। हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सर्व स्तर पर हमारा परिपूर्णता होनी चाहिए। इसलिए हमें मानव जन्म मिला है जो भाग्य से मिला है और इस मानव जन्म में मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षुता, वो भी भाग्यवान का होता है। और तीसरे है कि इसमें हमें परम श्रेष्ठ अवस्था तक जीवो ब्रह्मैव नापराः शिवम भूतवा शिवम यजित, तो हमें परमश्रेष्ठ अवस्था में पहुंचने के लिए जो ज्ञान आवश्यक है वो गुरु के सानिध्य में हमें लेना चाहिए। और जो तज्ञ है, उसमें जो मास्टर्स है, तज्ञ है, उनके साथ आप रहेंगे तो इसके बारे में सविस्तर आप जान सकते हैं। इसलिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंचने के लिए
यम नियम का आचरण पहले आवश्यक है। हम यहाँ आए हैं तो कुछ चिकित्सा के लिए आए हैं, हमारे शरीर में कुछ व्याधि हो वो अज्ञान से आती है, हमारा आचरण अशुद्ध हो विपरीत हो तो उसके दुष्परिणाम जो है वो हमें भुगतने पड़ते हैं। ये जो अज्ञान है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अंधकार में आपको दिशा नहीं मिलती, वह विंसु काटे सांप रहते हैं, दिशा समझना मुश्किल है। फिर गुरु के पास जो परंपरागत शुद्ध ज्ञान है वो हमें मिले तो ऐसे जंगल में अंधेरे में आपको कोई हाथ पकड़कर महामार्ग पर ले आता है ना, उसी तरह से गुरु होता है। लेकिन एक बात है, खुद को पूरा समर्पित विसर्जित करो और गुरु के चरण ऐसे पकड़ो कि पूरा ज्ञान होने तक उसे छोड़ना ही नहीं है, वो आपसे तपस्या करके लेगा। खड़तर होगी लेकिन जिद्दी से, तन्मयता से, पूरे विश्वास से हम उसमें उतर जाएंगे। तो पहले पहले कष्ट हो सकते हैं लेकिन बाद में जो गांठ है वो निकलने लगती है और फिर हमें हल्का सहज महसूस होने लगता है, फिर हमारा विश्वास बढ़ता है। लेकिन विश्वास ये कम ज़्यादा नहीं होता, पहले दिन से ही 100% विश्वास चाहिए। कुछ भी हो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैंने एक बार आपको पकड़ा है ना चरण कमल तो इसमें मेरा सब कुछ समाया हुआ है, इतना हमें सरेंडर में होना चाहिए। और जो भी बताते हैं उसमें 100% अपना सहभाग देना चाहिए, उसमें कम ज़्यादा करने से फायदा नहीं होगा। गुरु का एक शब्द भी हमारे हृदय में उतरना चाहिए और वो आचरण में लाकर उसका अनुभव है उसका चिंतन करके हमारे जीवन में सदा के लिए उतरना चाहिए। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म हम बोलते हैं, परब्रह्म यानी सच्चिदानंद स्वरूप। और गुरु भी इतने दयालु होते हैं, अपने जैसा ही शिष्य को कर देते हैं। लेकिन कुछ तो समय लगेगा ना, ऐसे सर पर हाथ रख के हाँ आशीर्वाद दे के वो नहीं होता है। वो सर पर हाथ रखते हैं कब, आप तपश्चर्या पूरी करते हैं ना तो बोलते हैं तथा अस्तु, अब हो जाएगा सब तुम्हारे मन में जो कुछ है ना। हम अटके हुए हैं हमारी व्याधि में, तो व्याधि दुरुस्त होना एक पहली बात है। उसके बाद जो हमारा शांत स्वरूप, जो आनंदमय जीवन, जो उत्साह से भरा हुआ, ऐसा होना चाहिए कि 100 साल हम आनंद में जिए, हर एक क्षण हमारा अच्छा कुछ न कुछ कार्य में व्यतीत होना चाहिए। जो आदर्शवाद है वो हमें अभ्यास करके हमारे जो शरीर मन बुद्धि का उपकरण है उसको हम अच्छा रखते जाना चाहिए। खाली शिविर में 10-12 दिन आ गए अच्छा हो जाएगा, मैं आपको खातरी देता हूँ कि डॉक्टर नितिन जी आपसे जो कुछ विविध पद्धति से आपको अच्छी दिशा से ले जा रहे हैं तो 12 दिन के बाद जो भी उनके पास से आपको कुछ सूचनाएं मिलेगी तो उसका अभ्यास करो और अपने जीवन में अपना आदर्श दिनचर्या कैसी हो, फिर अपना खान पान हो, आचरण हो, आपकी घर गृहस्थी, उद्योग धंधा, समाज कार्य और वैयक्तिक उन्नति, सबसे महत्वपूर्ण है वैयक्तिक उन्नति। आप खुद के लिए कितना समय एकांतवास में देते हो ये अमृत काल है, वहाँ तुम्हें
जो कुछ बातें हैं कि जो जीवन का कल्याण करने वाली है, स्पेसिफिकली ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठ। ब्रह्म मुहूर्त में आप जग जाएंगे तो समझो 4:30 बजे, बाद में 3 घंटा अपने आप को देने चाहिए, अपनी तपस्या के लिए, साधना के लिए, चिंतन के लिए, और पूरे जीवन का, पूरे दिन का नियोजन करने के लिए। संकल्प करो, मुझे दिन में क्या क्या करना है, ये हफ्ते में मुझे क्या करना है, ये महीने में क्या, 6 महीने में क्या, 1 साल में क्या, बाद में 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल, 75 और 100 साल का पूरा अभ्यास आपका संकल्प के साथ नियोजन होना चाहिए। मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं पूरे जीवन में क्या करने वाला हूं और कैसे करने वाला हूं। तो मैं आपको पहली बात ऐसी बताता हूं कि पहले मैं कौन हूं इसका अभ्यास होना चाहिए। तो मैं सचित आनंद ही हूं। जब मैं ही आनंद हूं तो बाहर के दुनिया में आनंद के लिए भटकना अज्ञान है। इसलिए आनंद के लिए बाहर की दुनिया में मत जाना, आनंद में रहकर ही दुनिया में जाना। आप कुछ भी करो, अपनी साधना तपस्या करो, यह 12 दिन सब आनंद में जियो। ये शरीर मन कुछ तकलीफ है, आजकल हमने जो तपश्चर्या नहीं की थी, कुछ अज्ञान से हमारा खान पान या कोई तो बिगड़ गया हो, तो वो ठीक करने के लिए थोड़ी तपश्चर्या, थोड़ी कठिनाई आ सकती है, लेकिन उस पर मात करने के लिए हमें जिद से, चिकाटी से रहना ही चाहिए। इसलिए मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ, ऐसा आप पहले अपने हृदय में निश्चय करिए। आनंद बाहर की दुनिया में मिलने वाला नहीं है, ये बाहर की दुनिया बदलने वाली है, परिवर्तनशील है, नाशवंत है, भ्रामक है, मिथ्या है। तो बाहर आप आनंद ढूंढने लेके जाएंगे ना, तो ये जीवन नहीं, कितने भी आपके जीवन ये पृथ्वी पर या कहीं भी आ जाए, आप कभी आनंद महसूस नहीं कर सकेंगे। कारण कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी है, और वो जंगल में पूरा जीवन भर कहाँ से सुगंध आती है घूमता रहेगा, तो ये जीवन में तो उसे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके नाभि में हो। वैसे मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, तो बाहर की दुनिया में आनंद के लिए कुछ नहीं होने वाला। तो मैं अनादि अनंत, जो चैतन्यमयी, चैतन्य तो कण कण में है और मैं चैतन्य ही हूँ, तो पूरे विश्व में जो कण कण जो है वो और मैं अलग नहीं हूँ। ये समाधि की अवस्था होती है, लेकिन ये अनुभव गुरु के साथ करना पड़ता है। तो मैं अनादि अनंत, निर्गुण निराकार, सच्चिद आनंद, चैतन्य स्वरूप, स्वयं प्रकाशी, अपरिमित आत्मा हूँ। ये अध्यात्म विद्या है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, सर्व विद्या में श्रेष्ठ अध्यात्म विद्या है। वो आपको अपने बारे में विश्वास दिलाती है, और कौन सा भी काम करना है तो आत्मविश्वास से करेंगे तो अच्छा होता है। तो पहले आपने खुद को समझ लिया, फिर आप पूरा जीवन आत्मविश्वास से भरे होगे, जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, जो भी ज्ञान प्राप्त करोगे, तपस्या करोगे, वो 100% करेंगे। कम ज्यादा नहीं चलता है। अज्ञान से हम, मुझे ये अच्छा लगता है ये मैं करता हूं, वो नहीं चलता है। शास्त्र के मुताबिक, गुरु के मुताबिक, तत्वों के मुताबिक, जो चिरकाल टिकने वाले हैं, उसके मुताबिक अपना जीवन निश्चय करना है। इसलिए हमारे जीवन में बाह्य जो घटनाएं होती है, यानी कि वस्तु,
व्यक्ति और परिस्थिति पर आनंद के लिए निर्भर नहीं होना है, अपने आप में रहना है, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करनी, वस्तु हो या ना हो। आप महल में रहेंगे, राजवाड़ा में या झोपड़ी में, कुछ नहीं फर्क पड़ता। कब? मैं आनंद स्वरूप ही हूँ ये आप महसूस करते हैं। और गुरु परीक्षा लेते हैं, अभी ये 12 दिन आपकी परीक्षा चल रही है, आप कितने 100% उसमें सहभाग लेते हैं। गुरु बहुत चाणक्य रहते हैं, गुरहारे को देखते हैं, हर एक की शारीरिक मानसिक अवस्था को निहालते हैं और हर एक से बात करते समय भी जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है ना, वैसे गुरु संभालते हैं। जब आप गुरु होते हैं तो आपको समझ में आता है कि शिष्य के तरफ कैसे देखना है, और अपने जैसे उसको बना देते हैं। मैंने पहले बता दिया, यानी जैसे हमारे डॉक्टर नितिन जी है ना, चुस्त पुस्त, हाँ, उत्साही, आनंदी, शांत, प्रसन्न, सात्विक, हाँ, योगी, महर्षि, ऋषि, ये सब विरुदे उनको क्योंकि वो सबके कल्याण का विचार कर रहे हैं, हर एक पर नज़र रखते हैं और उसे अच्छी बात क्या है उसको उपदेश करते हैं। तो हम भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं कि जो हमें मार्गदर्शन करते हैं। 3 बातें याद रखना। 1, गुरु सानिध्य होना चाहिए कल्याण होना है तो। 2, आप प्रकृति के साथ रहिए। और 3, आप खुद में अपने में रहिए। गुरु क्या बताते हैं वो हर एक शब्द अनशब्द अमृत होता है, उसका प्रश्न करो। 2, ये प्रकृति भी अपने मूल स्वरूप में रहती है, हाँ, सूर्य चंद्र तारे हो, वनस्पति पान फूल या फल हो, कीड़ा मुंगी कीटक भी हो, कण कण में सभी जगह पे ऊर्जा है। लेकिन हमें एक देखना चाहिए कि हमारा नजरिया सभी तरफ इतना प्रेममय आदर भाव से हो तो हमारा जीवन भी सहज हो जाता है। इसलिए गुरु, प्रकृति, निसर्ग और 3, अपने आप में रहो। पहले क्षण से ये क्षण में मुझ में और अच्छी बात क्या है उसका अभ्यास करो। कल से मैं आज प्रगतिशील हूं या नहीं, और आज मैं नया क्या कर रहा हूं कि मेरा जीवन समृद्ध होने के लिए। तो हमें पूरे जीवन भर विद्यार्थी दशा में रहना चाहिए, कुछ न कुछ तो नया ज्ञान, नई शक्ति, नई कृतिशीलता, और उससे मैं निर्मिति क्या कर रहा हूं, वो निर्मिति श्रेष्ठ दर्जा की कुशलता से हो सकती है। और कुशलता से निर्मिति करने के लिए अभ्यास, तपश्चर्या, साधना, अनुभव, और फिर आप उस तरफ पहुंच सकते हैं। इसलिए गुरु सान्निध्य, निसर्ग सान्निध्य और अपने आप में रहना। अपने लिए कितना समय निकालते हो देखो। समझो मुझ में कुछ शारीरिक बीमारी है तो उसके जड़ में जाना है, ऊपर ऊपर से मलम पट्टी लगे कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे मालूम नहीं तो जिसे मालूम है उससे पूछो। और ये जगत में जो व्यवहार है ना, इसमें कुछ न कुछ तो प्राप्ति के लिए सब घूम रहे हैं, हमें कुछ प्राप्ति के लिए नहीं घूमना है। यानी कि समझो कोई वैद्य है तो आपको कोई बीमारी हो तो अपने को बहुत सारी गोलियां देगा, उसके ज्ञान के मुताबिक, उसके आर्थिक व्यवहार के मुताबिक कुछ न कुछ तो कहते रहेगा। लेकिन वो शुद्ध है या नहीं, हम बाहर की जगत में हॉस्पिटल में जाते हैं, ये व्याधि है वो व्याधि है,
और कुछ समय के लिए वो ठीक हो जाती है, फिर ऊपर आती है। फिर पूरा जीवन भर यही करते रहोगे क्या? तो ऐसा तज्ञ ढूंढो कि पूरा उसके मूल से वो उखाड़ लाना चाहिए। उसके लिए हमें वो तज्ञ के पास जाना चाहिए। और हम सब भाग्यवान है कि यह नए नए तरीके ढूंढे हैं आनंद कुंज में, और ये भी परंपरागत आया है, ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, और अत्यंत प्रामाणिकता से, अत्यंत प्रेम भाव और आदर भाव से नितिन जी, सारंग जी ये आपको बताते रहते हैं। तो हमें जो पूरा शारीरिक और मानसिक भी, मनय मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन करारे प्रसन्न सर्वसिद्धि का कारण, तो ये मन पर उपचार करना चाहिए, क्योंकि 99% व्याधि मन के चंचलता से होती है। तो मन को शांत रखना चाहिए, स्थिर रखना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। इसके लिए ध्यान धारणा, ग्रंथ वाचन, चिंतन मनन, अनुभव और फिर निर्णय लेना। तो मन को छोड़ना नहीं है, वो चंचल है, कहाँ भी एक सेकंड में यहाँ आ जाएगा तो दूसरे सेकंड में कहीं जाएगा। तो मन को आपके कंट्रोल में रखना चाहिए। वो साधना और तपश्चर्या से होता है, मन को दोष नहीं है, उसका चंचलता स्वभाव है। समझे, घर में कोई लड़का है, थोड़ा दंगा मस्ती करता है, तो उसे अच्छा खेल कौन सा है वो खेल में उसे लगाओ, उसके एक्सपर्ट के पास भेजो, फिर वो दंगा मस्ती छोड़ के अपना जो खेल में कोई भी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, स्विमिंग हो, एथलेटिक्स हो, कहीं ना कहीं उसे कहाँ अच्छा लगता है वह भेजो, और फिर वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, और एकाग्रता से उसे मन लगाएगा, वहाँ का गुरु उसे बराबर समझा देगा, फिर वो टेस्ट में भी जाएगा, ओलंपिक में जाएगा, कहाँ भी जाएगा, लेकिन उसे उसका मन एकाग्र होना चाहिए। जैसे अभी ओलंपिक में हम देखते हैं शूटिंग करना है तो कितनी एकाग्रता चाहिए, देखो ऐसी एकाग्रता हमारी कौन सा भी कार्य करते समय होनी चाहिए। जैसे अर्जुन को नीचे के पानी में देखकर धनुष बाण से ऊपर का जो मासा है उसे लगाना था, तो सामने 100 राजे लोग बैठे थे, तो उसके मन में ऐसा आ गया कि मैं अभी ये छेद नहीं कर सकूंगा तो मेरा अर्जुन का नाम बदनाम हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। तो उसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा, उसके गुरु ने ऐसा सिखाया था कि एकाग्रता कैसी करो, ध्यान धारणा कैसी होनी चाहिए। इसलिए हमें भी जो भी कार्य करेंगे ना, उसमें एकाग्रता के लिए, जैसे एक भैरगोल भिंग है, यहाँ से सूरज की किरणें आती है तो कॉन्वर्ज होती है, एक पॉइंट पे वो कागज जल जाता है, ऐसे सूर्य का प्रकाश आ गया तो वो जलता नहीं है, लेकिन वो एकाग्र किया तो उसकी ताकत बढ़ती है। तो मन जो इधर उधर घूमता फिरता है अनावश्यक, उसे एक जगह पे लाना और उसका अभ्यास करना, फिर वो उस ज्ञान में तज्ञ हो सकता है, वो समझ सकता है, सूक्ष्मता से जान सकता है और अपने जीवन में उतार सकता है। इसलिए मन के लिए ध्यान धारणा, मंत्रोच्चार, चिंतन मनन, सत्संग ये बहुत जरूरी है। बाहर की दुनिया में अनावश्यक मत कुछ ढूंढने के लिए जाओ, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी कृतिशीलता जो है वो अपने कार्य में इतनी लगाओ कि आप उसमें जो प्रगति है हर एक क्षण में महसूस करेंगे। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, आत्मानम अवसादयेत,
आत्मैव ही आत्मनो बंधु हो, आत्मैव ही रिपुरात्मना, अपना उद्धार अपने आप को ही करना है। किसी की वजह से मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, किसी की वजह से मुझे डायबिटीज हो गया, किसी की वजह से मैं दुखी हूँ, ये नहीं चलता है। पासिंग द बक नहीं करना है, हाँ? आपका कल्याण हुआ आपकी जिम्मेदारी, आपका अकल्याण हुआ आपको व्याधि हो गई और कुछ न तकलीफें आ गई, उसके लिए कारण आप ही है। इसलिए आप ही आपके मित्र हो, आप ही आपके शत्रु हो। इसलिए थोड़ी शांति से अपने आप को देखो, अपना शरीर मन बुद्धि का उपकरण अच्छा बनाओ। और उर्वज जीवन है ना, बड़े उत्साह से ज्ञान और शक्ति और कृतिशीलता में एक सुंदर विश्व निर्माण करने के लिए आगे बढ़ो। ऐसी सद्बुद्धि आप सबको मिले, ऐसे में सद्गुरु श्री गणेश और आपसे विनम्र भाव से प्रार्थना करता हूँ। डॉक्टर नितिन जी बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मैं भी 4 दिन में बहुत कुछ सीखा हूँ। हाँ, गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा ही बनाता है, लेकिन शिष्य गुरु से भी बड़ा हो जाता है तो गुरु को बहुत अच्छा लगता है। ये इतना आनंद कुंज निर्माण किया, हाँ, जैसे कल्पवृक्ष है हमारे लिए। धैर्य, चिकाटी से रहो, जो भी तपश्चर्या करना पड़े, कितनी भी तकलीफें आने दो, छोड़ो मत, और बाद में पूरा जीवन हमें जैसे पंछी जैसा हल्के से सहजता से घूमता है, वैसा हमारा जीवन हो जाएगा। हाँ, महसूस करो। ओम गुरुदेव।